हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस के एडुकेटो एट द रेट MME। तो आज की जो वीडियो होने वाली है जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है 4x4x4 रूबिक्स क्यूब की इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसके जिसके जिसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा रिव्यू ही दूंगा आज कि कैसा होता है 4x4 रूबिक्स क्यूब। क्योंकि जो अगली सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो मैं 4x4x4 की स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि अगर आपके माइंड में है कि हमें ये वाला क्यूब भी सीखना है तो आप लोगों को इंट्रोडक्टरी वीडियो देखनी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो कि 4x4 क्यूब कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूँ तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये 3x3 से काफ़ी डिफरेंट है, साइज में भी बड़ा है। अगर मैं 3x3 का आपको दिखाऊँ तो देखो कि साइज में भी बड़ा है ये वाला 4x4, और एक लेयर और ऐड हो चुकी है इसमें। पहले उसमें 3x3 था, अब यहाँ पर कितना आ रहा है, अब यहाँ पर कितना आ रहा है, 4x4 आ रहा है, ठीक है। चार इस तरफ, चार इस तरफ, चार इस तरफ, चार हर तरफ चार चार आ रही है। लेकिन जो 4x4 है वो क्वाइट एज सिमिलर टू 3x3 ही होता है, बट हमें इसकी स्टार्टिंग में कुछ ऐसा करना पड़ता है कि हमें इसे 3x3 बनाना पड़ता है। लाइक 3x3 में सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बोली थी वो क्या बोली थी कि इसके सेंटर्स मूव नहीं करते। अगर यहाँ पर ब्लू है तो इसके ऑपोजिट हमेशा कौन सा रहेगा, ग्रीन ही रहेगा। अगर यहाँ पर रेड है तो रेड के ऑपोजिट हमेशा ऑरेंज ही रहेगा, ठीक है। लेकिन 4x4 में ऐसा नहीं होता। 4x4 में क्या होता है कि अगर मैं इनको शफल कर दूं, अगर मान लो मैं ये वाला क्यूब शफल कर कर मैं बताता हूँ इन द लेटर वीडियो कि अगर मैं इसको शफल कर दूं तो इसके सेंटर से जो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो यह कि इसके सेंटर फिक्स नहीं होते, इसमें हमें सेंटर फिक्स रखकर चलना पड़ता है। वो आपकी एक टेक्निक है, वो आपकी एक क्वालिटी है कि इसमें मान लो कि हमें सेंटर खुद ब खुद फिक्स करने पड़ते हैं क्योंकि हम उनको चेंज नहीं होने दे सकते, ठीक है। सेकेंड जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसके एच पी सीज। 3x3 में कितने एच पी सी होते थे, सिर्फ एक एच पी सी होता था, किसी भी एक फेस में सिर्फ एक एच पी सी हो रहा था, सिर्फ एक एच पी सी हो रहा था। लेकिन 4x4 में अब क्या हो रहा है कि दो दो एच पी सी आ रहे हैं, दो दो एच पी सी आ रहे हैं, लाइक दिस। अगर आप हर तरफ देखो तो हर तरफ कितने एच पी सी हैं, दो दो एच पी सी आ रहे हैं। तो मतलब हमें एच पी सी भी इसके कंबाइन करने, क्योंकि एच पी सी तो टूट रहे हैं इसके। देखो अगर मैंने इसको इस तरीके से घुमाया तो ये टूट रहे हैं, अगर इस तरीके से मैं घुमा रहा हूँ तो ये टूट रहे हैं। मतलब कि हमें इसमें इस क्यूब में हमें सेंटर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और सेंटर्स के साथ साथ हमें एच पी सी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, दैट हाउ टू ज्वाइन द एच पी सी। तो इसमें स्टार्टिंग ही ऐसे होती है, जैसे इफ आई वांट टू शफल दिस, मैं इसको शफल कर देता हूँ पूरा अच्छे तरीके से, आई विल शफल दिस, और मैं इसको शफल कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसको शफल कर दिया तो अब आप देखोगे कि कुछ भी सिमिलर नहीं आपको मिल रहा, कौन सा सेंटर कहाँ पर है आपको कुछ नहीं पता चल रहा इस क्यूब में। तो वही इसमें है कि हमें इसके सेंटर्स खुद ब खुद बनाने पड़ते हैं। लाइक, अगर मुझे चाहिए कि मुझे येलो का कोई भी सेंटर बनाना है तो वो मुझे खुद ब खुद बनाना पड़ेगा। इसमें बने बनाया नहीं आता, इसमें हमें अब बनाना पड़ता है। अब जितने भी हायर क्यूब्स आएंगे, 4x4 आएगा, 5x5 आएगा, उसमें सभी में ऐसा ही होता है कि हमें उसमें सेंटर्स बनाने पड़ते हैं। तो ये इसका बेसिक है। बाकी सारे जो रूल्स है, जो सेंटर्स बन गए, सेंटर्स के बाद हम एजिस बना देंगे, उसके बाद जो सारा क्यूब सोल्व करेंगे वो लाइक अ 3x3 करेंगे। बट स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स्टार्टिंग होगी कि सबसे पहले हम लोग बनाएंगे सेंटर्स, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सेंटर्स बनाएंगे, और सेंटर्स के बाद हम लोग उसके एज पीसीज बनाएंगे। मतलब कि इसमें दो स्टेप एक और नए ऐड होंगे। सबसे पहले हमें सेंटर्स की फॉर्मेशंस करनी होगी, और उसे फॉर्म करने के लिए ये वाला क्यूब हमारे माइंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी फोटो होनी चाहिए कि 3x3 क्यूब एक्चुअली होता कैसे है। कि तभी मैं कहता था कि आपको कलर याद होने चाहिए कि अगर येल्लो है तो येल्लो के ऑपोजिट हमेशा कौन सा कलर रहेगा, व्हाइट रहेगा। और अगर मैं येल्लो को इस तरह रखता हूँ, अपने ऊपर रखता हूँ, तो उसकी राइट साइड में जो कलर, अगर मैं ब्लू बनाता हूँ तो ब्लू के साथ कौन सा कलर आएगा, रेड, रेड के साथ आएगा ग्रीन, और ग्रीन के साथ आएगा ऑरेंज। तो ये वाला क्यूब हमारे एक तरह से माइंड मैप में होना चाहिए कि हमारे माइंड में एग्जिस्टेंस है इस क्यूब की, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 3x3 नहीं आता और आप 4x4 को अपने हाथ में ले लो, सोल्व कर सकते हो, अनडाउटेडली सोल्व कर लोगे कि अगर सीखोगे वीडियो से। लेकिन बात भी यह जाती है कि हमें सबसे पहले 3x3 क्यूब सीखना है। जिन लोगों ने सीख लिया, क्योंकि उस दिन काफ़ी 4x4 की रिक्वेस्ट आई थी, इसीलिए मैं 4x4 की भी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो
सबसे पहले आपको 3x3 में अगर आपकी पकड़ हो चुकी है तो आप 4x4 पर बढ़ सकते हो। ये क्यूब भी आप cubelelo.com से मंगा सकते हो, काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ पर। मैंने कॉम्बो में मंगाया था तो ये बिगनर्स का क्यूब अच्छा है, लेकिन फास्ट इससे मैं सोल्व नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं जो है वो रोटेशन इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप देख भी रहे हो जितना फ्लुएंटली ये 3x3 चलता है, जितना फ्लुएंटली ये 3x3 चल रहा है उतना फ्लुएंटली मेरा 4x4 नहीं चल रहा। तो क्या होता है कि क्यूब आप अच्छा मंगाओ, पहली बार ही अगर अच्छा मंगा लोगे तो आपके लिए बेनिफिट होता है उसका। तो क्या दो स्टेप्स इसमें नहीं ऐड होंगे? सबसे पहला स्टेप जो ऐड होगा वो होगा हम सेंटर्स बनाएंगे, सेंटर्स के बाद हम एज पीसीस फॉर्म करेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 3x3 की तरह से पूरा सोल्व करेंगे। एक आधी पैरिटी इसमें आती है लास्ट में जाकर, वो उसमें हम आखिर में बात करेंगे अगर आई हमारे क्यूब में। अगर नहीं भी आई तो भी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो पैरिटी मोस्टली क्यूब्स में आ जाती है 4x4 में, 3x3 में ऐसी कोई पैरिटी नहीं आती। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी क्योंकि सबसे पहला पार्ट है जो वो हमें सेंटर्स फॉर्म करने हैं, फिर हमें एजिस फॉर्म करने हैं। तो कल से या फिर परसों से इस पर डिटेल्ड वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहली वीडियोस में मैं सिखाऊंगा दैट हाउ टू फॉर्म द सेंटर्स, हमें सेंटर्स कैसे फॉर्म करने हैं। उसके बाद मैं सिखाऊंगा सेकंड वीडियो में दैट हाउ टू फॉर्म द एजिस, हमें एजिस कैसे फॉर्म करने हैं। और लास्ट फिर उसके बाद 3x3 की तरह बिल्कुल सोल्व करेंगे हम इसे स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो क्योंकि अगर आप कल को 4x4 करने बैठो तो आपके माइंड में एक गेम सेट हो कि हाँ मुझे इस तरह से जाना है, मुझे सबसे पहले ये करना है फिर ये करना है। तो होप सो यू लाइक दिस वीडियो, यू शेयर दिस वीडियो एज मच एज कैन, एंड जो भी इस चैनल पर नया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो कीप सपोर्टिंग गाइस, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए बाय गाइस।